पाद पद्मम लोके जरा चक्रम चलोकाम दधतम रुतघटम चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबोदो जलांगम कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी वैद्य लोग यहाँ पे श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। हम लोग यहाँ पर अभी शुश्रुत संहिता का टीका वचन करेंगे। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं सभी लोगों को प्रणाम, और बाकी लोग यहाँ पे जूम पे ज्वाइन हो जाएंगे। और अभी हम लोग ना यहाँ जो शालाक्य तंत्र पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं वर्णन करूंगा। और अगर श्वेता मैम आप यहाँ पे जुड़ी हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। देखिए अभी सब लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर। श्वेता मैम अगर आप सुन पा रही हैं तो आप ये 10 और 11 नंबर का श्लोक पढ़ेंगी कि मैं पढ़ूं? नहीं सर, पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। प्रणाम सर। हाँ, ये आंखों के बारे में बता रहे हैं, आईज का एनाटॉमी, आईज का शरीर ये बता रहे हैं सर। 10th और 11th ना? हाँ जी। विद्यात द्वय अंगुल बाहुल्यम स्वांग स्वांगुष स्वांग ओष्ट उदर संमितम द्वया अंगुल सर्वतः स्वार्ध्वम भिषक नयन बुद्बुदम सुवृत्तम गोस्तनाकारम सर्वभूत गुणोद्भवम पलम भुवो अग्नितो रक्तम वातात कृष्णम सीतम जलात आकाशात अश्रुमार्गाश्च जायन्ते नेत्र बुद्बुदे। हिंदी में जी, वैद्य नयन बुद्बुद अक्षिगोलक आईबॉल को अपने अंगुष्ठ के उधर मध्य भाग के प्रमाणानुसार दो अंगुल बाहुल्य अंतः प्रवेश प्रमाण अग्र पश्चात व्यास पर थोड़ा एक मिनट। हाँ अभी पढ़िए। हाँ सर, व्यास वाला बाहुल्य वाला जाने तथा आयाम और विस्तार लंबाई और चौड़ाई में ढाई अंगुल समान जाने। इस तरह इस नेत्र गोलक को सुवृत्त गोल तथा गौ के स्तन के आकार का और पृथ्वी आदि सर्व पंचभूतों के गुणों से उत्पन्न हुआ जानो। नेत्र गोलक में पृथ्वी से मांसल भाग, अग्नि से पित्तरूप रक्त वर्ण का भाग, वात से कृष्ण भाग, जल से नेत्रगत श्वेत भाग तथा आकाश नामक महाभूत से अश्रु मार्गों की उत्पत्ति होती है। हाँ, अभी आप एक मिनट रुके, मैं इसी को इंटरप्रेट करता हूँ। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जो आंखें होती है आईबॉल को नयन बुद्बुद भी बोला है। संहिताकारों ने नयन बुद्बुद या नेत्र बुद्बुद कहा है। ये अपने अंगुष्ठ के मतलब अपना जो अंगुली है अंगुष्ठ है उसके हिसाब से मतलब हर पेशेंट के उसका दो अंगुल। पहले के जमाने में क्या होता था कि सेंटीमीटर होता था, पहले के जमाने में अंगुल अंगुली प्रमाण ऐसे होता था। तो बोल रहे हैं कि उतना व्यास वाला है और आयाम और विस्तार वाला मतलब उसका ये है। लेंथ अगर देखेंगे आयाम तो ये हो गया ये हो गया लेंथ हो गया, और विस्तार जो है वो ढाई अंगुल मतलब ब्रेड्थ जो है वो ढाई अंगुल प्रमाण का है। इस प्रकार नेत्र गोलक को सुवृत्त गोल तरह का ये रहता है और गाय के स्तन के आकार का रहता है।
जैसे कि गाय का स्तन होता है ना उस तरह का रहता है, और इसमें पंच महाभौतिक संगठनात्मक तत्व रहते हैं। तो पंच महाभौतिक में अगर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी से मांसल भाग बनाए, अग्नि से पितृ रक्त वर्ण का भाग बनाए जो आलोचक पित्त भी रहता है और रेड कलर का भाग, और वात से कृष्ण भाग, और जल से नेत्र श्वेत भाग जो हमारा स्क्लेरा है वो श्वेत भाग बनाए, और आकाश से अश्रुमार्ग क्योंकि वहां पे वैक्यूम रहता है तभी आंसू निकलते हैं, लैक्रिमल डक्ट जो है सब ये आकाश महाभूत से बना हुआ है, ऐसा इन्होंने शारीर बताया। जी विमर्श पढ़िए मैम। आचार्य श्रुत ने उक्त श्लोक के द्वारा नयन बुद्बुद अक्षि गोलक या नेत्र गोलक आईबॉल के शारीरिक एनाटॉमी का वर्णन किया है। द्वयंगुल बाहुल्यम इदमंतः प्रवेश प्रमाणम द्वयांगुलामान स्वांगुष्ठोदर सम्मितम एतेन दुक्तम भवति। स्वांगुष्ठोदर सम्मितम यदंगुलम तदंगुल द्वय प्रमाणम नेत्र बुद्बुद स्यांतः प्रवेशम विद्यात। इस तरह डल्लन ने प्रत्येक व्यक्ति के अपने अंगुष्ठोदर को एक अंगुल मानकर ऐसे दो अंगुल प्रमाण का नेत्र गोलक का अंतः प्रवेश प्रमाण वर्टिकल डायमीटर 23.48 मीटर मिलीमीटर आधुनिक मत से माना गया है। द्वयंगुलम साधमिति सर थोड़ा बड़ा बड़ा करूं। अच्छा हाँ सर ये बड़ा करने से इधर जा रहा है, एक मिनट रुके। ठीक है सर। हाँ ओके सर। द्वयंगुलम साधम संधिमिति अर्ध तृतीयांगुल अंगुलाभित्यर्थः सर्वत इति आयम संधिमिति नहीं है, द्वयंगुलम सार्धमिति अर्ध द्वयंगुल और आध मतलब ढाई। द्वयंगुलम सार्धमिति अर्ध तृतीय अंगुलम मित्यर्थः सर्वत इति आयमतो विस्तारतः च इत्यर्थः। नेत्रगोलक का आयाम लंबाई व्यक्ति विशेष की अंगुली से ढाई अंगुल तथा विस्तार की ढाई अंगुल होता है। आयाम को अग्र पश्चिम व्यास या पूर्व पश्चिम व्यास एंटीरियो पोस्टेरियर और सैजिटल डायमीटर कहते हैं तथा यह प्रमाण 24.15 मिलीमीटर 1.023 इंच होता है। विस्तार को अनुप्रस्थ व्यास या उत्तर दक्षिण व्यास हॉरिजॉन्टल डायमीटर कहते हैं और यह प्रमाण 24.13 मीटर मिलीमीटर होता है। प्रायः सभी व्यास एक इंच होते हैं। आयुर्वेद में बुद्बुद को ढाई अंगुल लंबा ढाई अंगुल चौड़ा तथा दो अंगुल मोटा माना है। यदि हम अंगुष्ठोदर को एक इंच या डेढ़ अंगुल मान ले तो नेत्र गोलक की चौड़ाई डेढ़ अंगुल मोटाई दो अंगुल तथा लंबाई 2.5 अंगुल बैठती है। सुवृत्त और गो स्तनाकार से उपमा देने का भी यही अभिप्राय है कि चौड़ाई की अपेक्षा नेत्र की कुछ लंबाई अधिक होती है। फिर भी आजकल नेत्र की लंबाई चौड़ाई में इतना अंतर नहीं होता। संभव है कि लगभग 2000 वर्ष के काल में शरीर के विभिन्न अंगों के प्रमाण में भी परिवर्तन हो गया हो। नेत्र गोलक आयु के साथ बढ़ता जाता है। जी अभी छोटे बच्चों का आयु देखेंगे आंखें छोटी होती हैं, जैसे एज बढ़ता है युवा अवस्था में बड़ा हो जाता है, तो जैसे जैसे एज बढ़ता है नेत्र गोलक जो आई बॉल है वो भी बढ़ता जाता है, ऐसा बताया इन्होंने। देखिए पूरा मेजरमेंट से आई बॉल का पूरा मेजरमेंट बता दिया है। जी ये पढ़िए। सर्वभूत गुणोद्भवम सर्वेषां भूतानां गुणः उद्भवन्ति अत्र सर्वभूत गुणानां उद्भवो यत्रेति वा पंचभूतोत्पन्न मित्यर्थः हारान चंद्रा। अर्थात इस नेत्र गोलक में पंच महाभूतों के गुण विद्यमान है। सर्वभूतेभ्यः तद्गुणेभ्यः च उद्भवो यस्य तत् सर्वभूत गुणोद्भवम् सर्वभूतेभ्यो नेत्रगोलकम् शिरास्नायु अस्थि सहितम् सअश्रु मार्गम् उत्पन्नम् तद्गुणेभ्यश्च रक्त शीत कृष्ण गुणा
उत्पन्ना इत्यर्थः। नेत्र गोलक को सर्वभूत गुणों से उत्पन्न माना है, अर्थात शिरा स्नायु अस्थि और अश्रुमार्ग इनके सहित नेत्र गोलक पांचों भूतों से उत्पन्न हुआ है, तथा नेत्र गोलक की रक्तता, श्वेतता और कृष्णवर्णता इन भूतों के गुणों से उत्पन्न होती है। कुछ टीकाकारों ने गुण शब्द का अर्थ भूतों के गुण न लेकर उनके प्रसाद अर्थ को माना है, किंतु यह अर्थ जेजट तथा डल्लन दोनों ने स्वीकृत नहीं किया है। जी, तो ये बोल रहे हैं कि कुछ लग्न भूतों का गुण लेकर उनका प्रसाद भाग, ऐसा अर्थ लिया है कि प्रसाद भाग से बनता है, लेकिन जेजट और डल्लन बोलते कि नहीं, प्रसाद भाग नहीं, डायरेक्ट ही उन भूतों का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा बताया। और जो ये पता है सर्वेशां भूतानां गुणा उद्भवन्ति, मतलब सभी भूतों के गुण उत्पन्न होते हैं, सर्वभूतानां उद्भवो यत्रेति वा, मतलब सभी भूतों के यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें वो चीज दिखता है, संगठन दिखता है, इसलिए पंच भूतोत्पन्नम इत्यर्थ, इसलिए पंच महाभूत से उत्पन्न, ये अर्थ लिया। फिर एक और चीज इन्होंने बोला है कि सर्वभूतेभ्यस्तद गुणे चोद्भव सर्वभूत गुणोद्भव, मतलब सभी भूतों के गुण यहाँ पे दिखाई देते हैं, सर्वभूत गुणोद्भव ऐसा कहा गया है। सर्वभूतेभ्यो नेत्र गोलकम, मतलब सभी भूत पंच महाभूते आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, ये पांचों महाभूत है, इससे अलग अलग चीजें बनती हैं, और नेत्र गोलक में शिरा स्नायु अस्थि तत्व तो भी है, इसलिए धारणा शक्ति होती है, शिरा स्नायु तो है, अश्रु मार्ग भी है, ये सब, और उसके साथ में उन्हीं के गुण के साथ रक्त जो है, रक्त शीत गुण कृष्ण गुण युक्ता, अलग अलग कलर जो है आईज में, अलग अलग लेयर्स है, पटल है, वह सब किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पंच महाभूतों से ये बना हुआ है, इसलिए नेत्र गोलक की रक्तता, श्वेतता और कृष्णवर्ता इन महाभूतों के गुणों से उत्पन्न होती है, ऐसा अपने आचार्य लोग मानते हैं, पंच महाभूत से बना हुआ है। जी, इसमें आगे आकांक्षा में आप पढ़ेंगी कि कोई और पढ़ना चाहेगा, सभी को चांस मिलना चाहिए, ये वाला थोड़ा पढ़ दीजिए, फिर हम मॉडर्न एनाटॉमी भी कल पढ़ेंगे, कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़िए, शशि मैम आप पढ़िए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी सर, ये यहाँ से शुरू करना है, आधुनिक शरीर रचना पहले। हाँ, हिंदी वाला। हाँ, हिंदी वाला है। आधुनिक शरीर रचना एनाटॉमी शास्त्र में नेत्र से संबंध रखने वाले अंगों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है, पहला अंग ऑर्गन्स, दूसरा उपांग दैट इज अपेंडिसेस। नेत्रांगों में नेत्र गोलक या नेत्र बुद्बुद दैट इज आई बॉल, धमनिया आर्टरीज सिराइन वेंस, रसवाहिनिया दैट इज लिम्फेटिक्स एंड वात सूत्र नर्व्स। नेत्र चालक मांसपेशियां दैट इज ऑक्युलर मसल्स। नेत्र सेस्मना आवरण दैट इज कंजक्टाइवा। ये तो हो गया नेत्रांगों में, हो गया उपांगों में क्या है, पलक या नेत्र छिद्र दैट इज आईलिड। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ ठीक है मैम, पढ़िए। ओके सर, ब्रू मींस आईब्रो, अश्रुजनक पिंड अश्रु ग्रंथिया लैक्रिमल ग्लैंड्स, अश्रु प्रणालिका दैट इज लैक्रिमल डक्ट्स, अश्रु द्वार दैट इज पंक्टा लैक्रिमलिस, अश्रुवाहन नलिका दैट इज कैनकुलाई, अश्रुवाशय कैनालिकुलाई, अश्रुवाश्र लैक्रिमल सैक, नासागत अश्रुवाहिका दैट इज नोजल डक्ट होना चाहिए, नोजल लिखा हुआ है, नेत्र गुहा दैट इज ऑर्बिट। नेत्र गोलक या नेत्र बुद्बुद दैट इज आई बॉल और बॉल ऑफ द आई के निम्न मुख्य भाग होते हैं, शुक्रमंडल दैट इज कॉर्निया, नेत्र वाह्य पटल दैट इज स्क्लेरेटरी कोट और स्क्लेरा, तारा मंडल आयरिस, तंतु समय दैट इज सिलियरी बॉडी, नेत्र मध्य पटल कोरॉइड, नेत्र दर्पण या दृष्टि वितान दैट इज रेटिना, पूर्व जल मय रस खंड दैट इज इंटीरियर चैम्बर, पश्चिम खंड पोस्टीरियर चैम्बर, दृष्टि मणिका क्रिस्टलाइन लेंस, दृष्टि मणि आवरण लेंस कैप्सूल, कांच रूप रस सांद्र जल दैट इज विट्रियस ह्यूमर, दृष्टि नाड़ी ऑप्टिक नर्व, दर्शन नाड़ी सिरा दैट इज ऑप्टिक डिस्क, दृष्टि प्रमाण वर्णनम, दृष्टि च अत्र तथा वच्छे यथा ब्रूयाद विशारदः, नेत्रायाम विभागन्तु कृष्णमंडलम उच्यते, कृष्णात सप्तम इच्छन्ति दृष्टिम दृष्टि विशारदा, ये सुश्रुत तंत्र में बोला गया है। सर अर्थ बताएंगे, वच्छे यत्र ब्रूयाद विशारदः, मतलब नेत्र में दो ही दो भाग इन्होंने भी किया था, कृष्णमंडल और शुक्लमंडल, कृष्णमंडल कॉर्निया था और शुक्लमंडल स्क्लेरा था,
और कृष्णा, कृष्ण के सप्तम इच्छन्ति दृष्टिम दृष्टिम, कॉर्निया के फिर सेवन लेयर्स। हाँ बराबर, सब नीचे है, उसका ट्रांसलेटेड सब नीचे है, ये पढ़िए कलम और फिर से और पढ़ेंगे सब है। ठीक है सर। ओके। अथ दृष्टि वर्णनम पंचभूतात्मिका दृष्टिर मसूर अर्ध अर्ध दलोन्मिता शारंगधर टीकायाम। शारंगधर टीका में बोला गया है जो दृष्टि का वर्णन किया गया पंच महाभौतिक है, और जो दृष्टि है अर्ध मसूर दाल के बराबर इसका वो है ना जी, जो दृष्टि मंडल है ना वो आधे मसूर के दल इतना उसका ये डायमेंशन है, वो उसके लिए बोल रहा है जिसके लिए ना। हाँ मसूर दल मात्रांतु पंचभूत प्रसाद जम, तो मसूर दल मात्र है पंचभूतों से बना, पंचभूतों के प्रसाद पार्ट से बना है ना जी। खद्योत विस्फुलिंगाम इद्धाम तेजो भीर व्यय है। आगे आवृताम पटेले पटेलान अक्षणो वायेन विवराकृतम, तो बाहर से अच्छी पटल जो है वो कवर है, आगे आगे सब ट्रांसलेटेड है इसलिए मैंने बोला है सब लिखा हुआ है। ठीक है सर। ओके कोई बात नहीं। शीत सात्म्याम शीत सात्म्याम निराम दृष्टिम आहुर नय आहुर नयन चिंतका, मसूर के दल के तुल्य प्रमाण की तथा पंच महाभूतों के प्रसाद भाग से निर्मित होती है, उसकी आभा जुगनी या जुगनू या विस्फुलिंग अग्निकण चिंगारी के समान कुछ पीली होती है तथा अव्यय मतलब नाश रहित तेज आलोचक पित्त से समृद्ध या व्याप्त रहती है, यह गोलक के पटलों से आवृत ढकी हुई या घेरी हुई रहती है, बाहर से विवर छिद्र की आकृति सी दिखती है, इसके स्वास्थ्य के लिए शीतगुण औसत तथा आहार विहार उपयुक्त तो होते हैं। अस्तु आयुर्वेद में दृष्टि की निम्न विशेषताएं मानी गई हैं, कृष्ण मंडल के सातवें भाग के बराबर कृष्णात सप्तम इच्छन्ति दृष्टिम दृष्टि विशारदा, मसूर दल के आकार या परिणाम वाली पंच महाभूतों के प्रसाद से निर्मित खद्योत तथा स्फुलिंग अग्निकण के समान चमकदार एवं अव्यय तेज से समृद्ध वाह्य पटल से आवृत ढकी हुई गोल छेद वाली दैट इज विवराकृत विवराकृति शीतल पदार्थ जिसके लिए हितकर हूं, उसको थोड़ा सा ऊपर वाला क्या सर ऊपर की एक दो लाइन नहीं है और वहां पहले दृष्टि चात्र तथा वच्चे वो भी तो पढ़ना है ना। हाँ रुके, ये भी पढ़ के और हम ये आंखों का करके और रुकेंगे, ये वाला श्लोक करके रुकेंगे और कल हम एनाटॉमी ऑफ आई वो भी पढ़ेंगे और इस पे और चर्चा करेंगे। चलिए 12 और 13 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। दृष्टि च आत्र तथा वच्चे यथा ब्रूयात विशारद नेत्रायां त्रिभागं तु कृष्ण मंडलम उच्यते कृष्णात सप्तम इच्छन्ति दृष्टिम दृष्टि विशारद, जैसा नेत्र रोग के विशेषज्ञों का कथन है तदनुसार दृष्टि का वर्णन करता हूँ। नेत्र के आयाम का तृतीयांश अर्थात एक तिहाई भाग कृष्णमंडल कहा जाता है तथा कृष्णमंडल का सातवां भाग दृष्टि होती है, ऐसा नेत्र रोग विशारदों का कथन है। पूर्वोक्त नेत्र बुद्बुद में जो दृष्टि या दृष्टि मंडल माना गया है उसका प्रमाण उक्त श्लोक द्वारा बताया गया है। नेत्र का आयाम इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 2 अंगुल दैट इज 24.15 mm पूर्व में बताया गया है, ये ढाई है पहले के जमाने में 2 और 2 pi मतलब ये ढाई। ओके ढाई अंगुल पूर्व में बता आए हैं, उसका तृतीयांश कृष्ण मंडल तथा कृष्ण मंडल का सातवां भाग 5/6 का 1/7 दैट इज 5/42 अंगुल दृष्टि है। अन्य शालाक्य तंत्र प्रणेताओं ने इसका प्रमाण मसूर दल के बराबर माना है, मसूर दल मात्रांतु तथा सुश्रुत ने आतुरोप रमणी अध्याय में दृष्टि का परिमाण बतलाते हुए लिखा है नवम स्तारकांशो दृष्टि अर्थात तारक कृष्णमंडल का नवम भाग दृष्टि होती है, मतलब यहाँ पर सेवंथ भी है और नाइन्थ भी दोनों है तथा यहाँ पर सप्तमांश लिख रहे हैं, है परस्पर विरोधक सूचक वाक्य कैसे। आचार्य डंडन ने लिखा है कि महापुरुषों सर्वरूप जयी तथा पूर्णायु का भोग करने वाले व्यक्तियों की विशेषतावश यह भिन्नता है, महापुरुषाणाम पूर्णायुषाम आयुषाम भिन्न विषय विषयम अधि अभिधान इति न दोष। देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि मानव नेत्र गोलक दो भागों में विभक्त है, आगे का 1/6 भाग हिस्सा जो घड़ी के कांच के समान दिखता है उसे कृष्ण मंडल कहते हैं,
यह पारदर्शक होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट। दृष्टिमंडल का आयाम यदि कनीनिका दैट इज प्यूपिल का आयाम माना जाए तो एलोपैथिक दृष्टि से यह व्यास सब में समान नहीं होता। यस लगभग 2.5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक का होता है। कृष्णमंडल का आड़ा व्यास मतलब हॉरिजॉन्टल जो है 11.6 एमएम होता है। इस तरह पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने कृष्णमंडल कॉर्निया को नेत्र गोलक का शस्त्रांश स्वीकृत किया है। इस तरह आयुर्वेद में वर्णित इस दृष्टि को हमें तुलनात्मक पद्धति से समझना होगा कि वर्तमान पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र में इसे हम किस रूप में या किस नाम से पुकार सकते हैं। सुश्रुत के उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि प्राचीन आचार्य प्यूपिल जो कि नेत्र गोलक के भीतर प्रकाश जाने के लिए क्षेत्र मात्र है को दृष्टि कहते हैं। अतएव उसे कृष्ण भाग का सप्तमांश माना है तथा उसकी गणना मंडलों में की है। यह आधुनिक दृष्टि से कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं रखता अपितु तारा मंडल आयरिस का चित्र है जिसके द्वारा किरणें नेत्र के अंदर पहुंचती हैं। प्राचीन आचार्यों द्वारा उसे छिद्र रूप में मानना तथा पटल कॉर्निया से आच्छादित रहना सत्य है तथा वह छिद्र मसूर दल के समान भी है और उसमें से किरणें ऐसी निकलती दिखाई भी देती हैं। अतएव उसे खद्योत विस्फुलिंग समान मानना भी सत्य है। कुछ व्यक्ति या जानवरों में यह चमक अधिक दिखाई देती है। इस प्रकार प्राचीनों के उक्त सब लक्षण प्यूपिल को ही दृष्टि मानने का निर्देश करते हैं किंतु दृष्टिगत रोगों का वर्णन करते हुए रुके रुके एक मिनट रुक जाइए। ठीक है सर। हाँ अब पढ़िए। पाश्चात्य नेत्र विज्ञान के प्राय उन रोगों के वर्णन में मिलता जुलता है जिनका समावेश डिसीजेस आफ्टर रिफ्रैक्टिंग मीडिया के रोगों में होता है रिफ्रैक्टिव एरर। इसलिए दृष्टिगत रोग वास्तव में एक्वस लेंस विट्रियस और दृष्टिनाड़ी ऑप्टिक नर्व के रोगों से मिलते हैं। अतएव तारक या कनिका प्यूपिल को दृष्टि मानना आधुनिक सम्मत नहीं है। दृष्टि का मुख्य रोग तिमिर व लिंगनाष्ट है जो कि लेंस की खराबी से होता है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं आचार्यों ने दृष्टि को दो अर्थों में ग्रहण किया है एक सामान्य दर्शन विजन और दूसरा विशिष्ट अर्थ दृष्टिमणि लेंस ही समझना चाहिए क्योंकि यह लेंस मसूर के दल के आयाम का भी होता है। कुछ लोग दल का अर्थ दल का अर्थ मसूर की दाल ऐसा करते हैं किंतु वो गलत है क्योंकि संस्कृत में दाल के लिए द्विदल या विदल शब्द प्रयुक्त होता है। उस लेंस में पंच महाभूतों की भी कल्पना की जा सकती है। इस तेजोमय दृष्टि में खद्योत जुगनू और आग की चिंगारी की आभा होती है। ये खद्योत और चिंगारी तेजस पदार्थ होते हुए भी जैसे किसी अंग को नहीं जलाते उसी प्रकार यह भी नेत्र के भागों को नहीं जलाती। दृष्टि में यह तेज अभ्य रूप में यावत जीवन स्वस्थावस्था में रहता है न उसमें वृद्धि होती है न ह्रास होता है। उपचय अपचय इति डलनड़ा। अब प्रश्न यह है कि यदि यह तेजोमय दृष्टि है एक सेकंड अब प्रश्न यह है कि यह तेजोमय दृष्टि है तो बाहर से क्यों नहीं दिखती। इसका उत्तर अनेक पटलों से आवृत होना माना जा सकता है। यह दृष्टि शीत सात में अर्थात शीत से इसे लाभ और उष्णता से हानि होती है। तेजोमय पदार्थ शीत सात में कैसे हो सकता है। जल और अग्नि के पृथक पृथक रहने पर उनमें विरोध होता है किंतु एक साथ उत्पन्न तथा एक ही कार्य करने वाले जल और अग्नि का प्रभाव से तेजोमय दृष्टि को शीत सात्म माना जाता है। कुछ लोग का आशय है कि आयुर्वेद की वर्णन शैली तथा दृष्टि के लक्षणों से लेंस को दृष्टि नहीं कर सकते अतएव लेंस तथा पिपिल दोनों को मिलाकर दृष्टि मान सकते हैं। जी बस अभी आप रुक जाइए, बाद में हम मंडल और ये पटल ये सब हम कल करेंगे। अभी इसकी आज पढ़े कि कल पढ़े 7, 24, 16 पढ़ सकते हैं सर। ये पढ़ के फिर हम रुकेंगे। ये पढ़िए विद्याद्वय अंगुल बाहुल्यम। आप पढ़िए किसी और को बोलते हैं। आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी। आकांक्षा श्रीवास्तव मैम जी प्रणाम सर। सॉरी सर कोई बात नहीं पढ़िए। विद्याद्वय अंगुल बाहुल्यम स्व अंगष्ट उदर सम्मितम द्वय अंगुलम सर्वतः सार्धम विषग्नयन बुद्बुदम सुवृतम गोस्तनाकारम सर्वभूत गुणोद्भवम। ये तो आपके आईबॉल की मतलब एनाटॉमी स्ट्रक्चर बताया है उन्होंने। द्वय अंगुल बाहुल्य है
और सौ अंगुष्ठ उधर समितम, जैसा आपका मतलब अंगूठा होता है उसको मिला करके ना, सौ अंगुष्ठ उधर समितम, द्वय अंगुलम सर्पह सार्ध, ढाई अंगुल यहाँ पर बोले विषक नयन बुद्धम, आई बॉल के लिए ढाई अंगुल वर्ड यूज किया, सुब्रतम गोस्तनाकारम, आई बॉल के लिए नहीं बताया, ये लेंथ और ब्रेड्थ बताया, तो इसका जो ऐसे ऐसे देखेंगे डायमेंशन से वो ढाई अंगुल है, और लेंथ अगर देखेंगे तो वो दो अंगुल है, ऐसा बताया है। और सुवृत्तम, ये पूरी तरह से सुवृत्त रहते हैं, गोल रहता है, गोस्तनाकार रहता है, अब इस और सभी महाभूत के इसमें गुण इसमें दिखाई देते हैं जी। ठीक है, पढ़िए। तत्र सर्वेषु उत्तमांग स्थेषु संख्यादिभिर् वाच्येषु नयनगत रोगाभिधानम् सर्वेन्द्रियाणां मध्ये नयनस्य प्रधानत्वात् तत्रापि नयनस्य पटल व्यद निमित्त मन्तः प्रवेशायां विस्तारमानं आकार च दर्शयानि आह विद्यादि इति इत्यादि। अब रुकिए रुकिए रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कि विद्यादि इत्यादि, मतलब ये जो श्लोक का शुरुआत है विद्याद्वय अंगुल वॉल्यूम, इससे क्या बताया गया है, तो सर्वेश तत्र सर्वेशु उत्तमांगस्थेषु, मतलब यहाँ सप्तमी बहुवचन है कि सभी उत्तम अंग के जो अंग है उसमें सबसे प्रधान क्या है, जब हम संख्या आदि जब पढ़ते हैं तो सबसे उत्तम क्या है, तो नयन है, तो इसलिए नयनगत रोगों का अभिधान किया गया है सबसे पहले, और सर्वेन्द्रियाणाम नयनस्य प्रधानत्वात्, सभी इंद्रियों में सबसे प्रधान कौन सा है, तो आंखें, जिसकी आंखें नहीं है तो फिर वो कुछ देख नहीं सकता है, बहरा होकर रह सकता है या फिर कुछ और चीज से रह सकता है, लेकिन नयन सबसे प्रधान है, इसलिए सभी इंद्रियों में सबसे प्रधान नयन है, इसलिए पहले बोला है। तत्रापि नयनस्य, जो भी उनमें भी नयन का, पटल वेद निमित्त अंत प्रवेश, पटल बताएंगे फिर उसके बाद में व्यद होने के निमित्त क्या होते हैं, और अंत प्रवेश आयाम, मतलब हम बाहर से अंदर जब देखते हैं तो उनका आयाम कितना है, विस्तार कितना है, मान कितना है, आकार कितना है, ये सब बताने के लिए इन्होंने विद्या इत्यादि से शुरू किया है। आगे पढ़िए। द्वय अंगुल बाहुल्यम इदम अंत प्रवेश प्रमाण, मतलब अंत बाहर से लेकर अंदर की तरफ दो अंगुल प्रमाण, बराबर अंगुल मान अंगुलम, हाँ अंगुलम अंगुल मान मानम आह स्वत्यादि। अभी जो पहला जो श्लोक है विद्या द्वय अंगुल बाहुल्यम स्व अंगुष्ठो, तो यहाँ पे स्व जो है ना वहां से बोल रहे हैं कि यहाँ से क्या बता रहे हैं कि दो अंगुल बाहुल्य इनका अंत प्रवेश तक प्रमाण है, हम बाहर से अंदर जब जाएंगे तो नापेंगे तो जी। फिर है स्व अंगुष्ठ उदर समितम यद बहुलम तत् द्वय अंगुल प्रमाण नेत्र बुद्बुद श्यांतम प्रवेशम विद्यात द्वय अंगुलम सार्ध सार्धम इति अर्ध तृतीय अंगुलम तीर्थ जी। तो यहाँ पे जो सार्धम शब्द है उसका मीनिंग क्या है कि स्व अंगुष्ठ समितम, अपना जो पेशेंट का जो अंगुष्ठ होता है उतना उससे नापेंगे तो दो अंगुल, ऐसा दो अंगुल तद्वय अंगुल प्रमाणम, दो अंगुल प्रमाण में नेत्र जो बुद्बुद है मतलब आईबॉल है उसको बाहर से अंदर तक प्रवेशित करेंगे तो उतना वो उसका डायमीटर है, मतलब डायमेंशन है। दो अंगुलम सार्धम मतलब ढाई अंगुल उसका ये है लंबाई है चौड़ाई है, और अर्ध तृतीयांगुल मतलब थर्टी साढ़े तीन अंगुल है ना, साढ़े तीन अंगुल इस तरह से लेंथ है उसका। फिर लिखा है सर्वत इति आयाम अतो विस्तर चेति चेति अर्थ नयन बुद्बुदम अच। हाँ ये बोल रहे हैं सर्वत इति आयाम अतो, इस तरह से इसका आयाम और विस्तार ऐसा बता दिया, लेंथ और ब्रेड्थ और डायमेंशन सब बता दिया, और वो भी थ्री डी के हिसाब से इन्होंने बताया कि ये इतना है ये इतना है ये इतना है। हाँ और नयन बुद्बुद मतलब अक्षी गोलक आई बॉल। सर्वभूत गुणोद्भवं सर्व सर्वभूतेभ्यश्च द्रोणेभ्यश्च उद्भवो यस्य तत् तथाविद। सर्वभूत गुणोद्भव सारे भूतों के गुण उसमें विद्यमान है, सर्वभूतेभ्य द्रोणे लिखा है सर्व गुणोद्भवं, ये शब्द का मतलब क्या है जो श्लोक में है सुवृतम गोस्तनाकरम सर्वभूत गुणोद्भवं, इसका टीका में अर्थ होता है कि इसमें सभी भूतों के गुण आए हैं उनसे उत्पन्न हुआ है, उद्भवो यस्य तस्य तद्विदम, उनके सारे गुणों का उद्भव यहाँ पे हुआ है और वैसे वैसे ही सारे चीजें दिखती हैं। अब पढ़िए सर्वभूताभ्य। सर्वभूतेभ्य स्तावन नेत्र बुद्बुदम शिरा स्नायु अस्थि सहितम स अश्रु मार्ग च उत्पन्न
दृढ़ेभ्यश्च रक्तसित कृष्ण गुणा उत्पन्ना एतेन गुणोद्भुत्पन्न गुण उद्भूतोत्पन्न इति अर्थ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सभी भूतों के जो भी गुण है तद्दत गुण है वो सब आते हैं। सर्वभूतेभ्यः स्थावरनेत्र बुद्बुदम्, सभी भूतों से ये आईबॉल बना है और उसमें शिरा स्नायु अस्थि सहित अस्थि के भी तत्व हैं और अश्रु मार्ग से उत्पन्न हुए हैं और ये पंच महाभूत के वजह से ये रक्त और शीत काला और रक्त कृष्ण ये सारे गुण जो हैं ये सारे इसमें आए हैं। एतेन गुणवदोत्पन्न मतलब ये गुणों से उत्पन्न पंच महाभूत के गुणों से उत्पन्न ये अर्थ है यहाँ पे। आगे काला सफेद लाल जो भी है। केचित गुण शब्देन भूत प्रसादम कथयन्ति तंच त इंच व्याख्यान जेजटाय न रोचते तच्च व्याख्यान जेजटाय न रोचते। लोग बोलते हैं कि ये पंच महाभूतों के गुण का मतलब इनका प्रसाद भाग से बना है लेकिन ये जेजेट आचार्य हैं उनको ये पसंद नहीं और इसी को इन्होंने डल्हनाचार्य जी ने भी कहा है कि ये गलत है ये नहीं है। गुण गुण के मतलब पंच महाभूत के गुण के प्रसाद भाग से तो इन्हें बनाया, डायरेक्ट ही महाभूतों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जी 11 वाला पढ़ दीजिए। पलम भ्रूयो अग्नितो रक्तम वातात कृष्णम सितम जलात आकाशाद अश्रु मार्गाश्च जायन्ते नेत्र बुद्बुदे। मतलब जिन जिन महाभूत से या आईबॉल का पूरा एनाटॉमिकली जो बना हुआ है वह सब रक्त आदि से हमें दिखाई देता है इसलिए ये पलम भुवम अग्नितो ऐसा से शुरुआत किया है। पलम मतलब मासम आई बॉल कैसे बना हुआ है तो मास तो उसमें कौन सा महाभूत है भुवः पृथ्वी पृथ्वी महाभूत से पूरा आई बॉल बना हुआ है। अग्नि तो रक्त रक्त कैसे बनाया आई का सर्कुलेशन जो भी होता है वो कैसे है अग्नि तत्व के वजह से। पढ़िए पढ़िए। ओके पल 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 मासम भुवः पृथ्वी अग्नि तो रक्तम इति अग्नि गुणात रक्तम पित्त रूपम एवं सित जलादि इति अपि व्याख्यायम अश्रु मार्गा अश्रु स्रोतसी। हाँ इसका मतलब ये मतलब कि हाँ पढ़िए पढ़िए बताइए। मतलब उसका पार्थिव भाग जो है पृथ्वी से बना हुआ है जो उसमें रक्त वगैरह है वो अग्नि तत्व से बना है और जो अग्नि गुण और रक्त दोनों मिला अग्नि गुण उसके अंदर आया है और रक्त वगैरह वो पित्त रूप का है और जो सित है जलादि अपि जो सफेद पार्ट है वो जल और सारे लोगों से आया है ना जी और महाभूतों से अश्रु मार्ग है वो कहां से तो आकाश तत्व से बना है आकाश अश्रु मार्ग से जयंते नेत्र बुद्बुदे ये इन्होंने क्लियर क्लियर बोला है। और सफेद शरा जो है वो कैसे है तो जल से बना है वायु से काला भाग बना है आयरिस और अग्नि से रक्त भाग बना है जो भी ब्लड सर्कुलेशन सब है अग्नि तत्व से है और आलोचक भी है। दृष्टिम चात्र तथा वच्चे यथा ब्रूयाद विशारद नेत्रायाम त्रिभागम तू कृष्ण मंडलम उच्चते कृष्णात सप्तम इच्छन्ते दृष्टिम दृष्टि विसादा। वही श्लोक फिर से है इसको मैं कल एनाटॉमिकली मैं बताऊंगा तब ये समझ आएगा अभी हम रुक जाते हैं क्योंकि इसको ना एनाटॉमी से ये लाऊंगा दिखाऊंगा और उसी को इसको सुश्रुत ने किस तरह से बोले तब बताऊंगा अभी हम बोलेंगे ना कि 1/7 भाग ये है वो है ऐसे केवल दिमाग में नहीं हम इसका पिक्चर देख के फिर करेंगे एनाटॉमी ऑफ आई पढ़ेंगे कल। ठीक है सर हाँ थैंक यू आप सभी लोग का सभी थैंक यू सर। हमें एक ही दिन पूरा नहीं पढ़ना है हमें रुक रुक के अच्छे से समझ के पढ़ना है ठीक है। तो अभी हम ये सेशन बंद करते हैं अब हम 8:15 मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन के लिए और हम आई का एनाटॉमी और अच्छे से कल पढ़ेंगे मॉडर्न साइंस से भी पढ़ेंगे और फिर सुश्रुत से भी वेरीफाई करेंगे ठीक है। थैंक यू प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।